दिन आप किसी भी तरीके से गुजार लेते हो। दिन में बहुत रोशनी होती है, बहुत उमंगें होती हैं, शायद इतनी ख्वाहिशें होती हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी से बात करके, किसी से अपना लम्हा काट के, या किसी से आप सब कुछ शेयर कर लेते हो। लेकिन जैसे जैसे ये दिन ढलता जाता है, सूरज की रोशनी कम होती जाती है, वैसे वैसे उम्मीदों की आशाएं जो होती हैं वो भी धीरे धीरे बुझने लगती हैं। अंधेरा जहाँ ज़िंदगी में पहले से ही छाया हो, वहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम नज़र आती है। बहुत बार ऐसी ख्वाहिशें होती हैं कि आप जो अपने दोस्तों को बता के या उनको समझा के आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़िंदगी में वक्त की ही कमी हो और दोस्त भी कम हो, जिन उनको भी गलत नहीं कह सकते यार, उनकी भी ज़िंदगी है, बट इशू किसी चीज़ का नहीं है। रात जो है बहुत नागिन जैसी होती है, बहुत काटती है एक्चुअली। हौसले जो हैं सारे के सारे पस्त हो जाते हैं रात में। आप बहुत कुछ सोचते हो कि आपको नींद आ जाएगी, दिन भर आप पूरा काम करते हो कि किसी तरह से आप अपने शरीर को थका देते हो, लेकिन फिर भी अगर जब रात को नींद ना आए और आपके दोस्त या आपके साथ आपके खुद का परिवार भी ना रहे बात करने के लिए छोड़िए, अगर आपका परिवार आपको समझने के लिए भी तैयार नहीं होगा, तो कभी-कभी एक मुश्किल हालात में भी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो शायद किसी को भी गवारा ना हो। पता नहीं हालत खराब होने से पहले या हालत खराब होने के बाद जब गुजर जाता है कोई, तब क्यों उसे याद करते हैं लोग? पहले क्यों नहीं सोचा था कि वो भी अकेला है, उसे भी कोई तकलीफ होगी, शायद कहीं ना कहीं वो भी मिल बांट के हम लोग तकलीफ बांट लिया करते हैं। आदमी जाने के बाद आदमी की कीमत और उसके रोने के बाद उसको ये बोला जाता है कि काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। साइन ऑफ डिप्रेशन, साइन ऑफ डेथ, साइन ऑफ सुसाइड बहुत कॉमन चीज़ है आज के ज़माने में। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस हद तक पहुंच जाए, उस हद से आगे निकलना चाहते हो कि ये सारी की सारी जो चिंता है ना, काफ़ुर हो जाए। एक ही पल में जितनी भी परेशानी है दिन भर की, बस एक चीज़, मौत। हाँ, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको सारे दुखों से निजात दिला देगी। मौत, आत्महत्या, बुजदिलगी, लेकिन जिस आदमी के ऊपर ये गुजरती है, जिसके ऊपर ये गुजरती है, उसी को पता होता है कि वो किस गम में डूबा होता है। न उसको किसी रोशनी की चिंता होती है, और शायद उसने कभी रोशनी की चाह भी नहीं की होती है। बस उसके आगे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि इन दुखों का कोई अंत नहीं, और अगर ये दुख को ख़त्म करना है तो शायद एक ही रास्ता है, जो यहाँ से सीधा या तो ऊपर या तो 6 फीट गहरी ज़मीन के नीचे। कोशिश बहुत, पता नहीं, मन में तो बहुत आता है लेकिन इसको कर नहीं सकते। बहुत ही बुजदिल हूँ यार उस चीज़ में, मरा नहीं जाता और खुद को मारा भी नहीं जाता। नहीं कर सकता, परिवार है, माँ बाप है, भाई है, बहन है, उनके बच्चों को देखना है, ऐसे ही नहीं मरना है। सब कुछ ऐसे।
ऐसे ही नहीं मरना है। इसमें आया तो हूं जिंदगी में, लेकिन इस जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करना है। बहुत बार अकेले रोया हूं, बहुत बार अकेले रोया हूं। कभी दादा दादी की फोटो लेके, कभी अपने ही बचपन की फोटो लेके, बस नहीं मर सकता मैं ऐसे अपने आप को मारते हुए। हाथ काटने से डर लगता है, और पता नहीं शायद इतना भारी हूं कि शायद मैं रस्सी भी लटका नहीं सकता गले में, टूट जाए तो और मुश्किल। बच गया तो उसका बहुत नुकसान होगा, और मर गया तो मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे दुखों का अंत हो, लेकिन मर के, शायद मर के भी नहीं हो। आई डोंट नो ये क्या है, एक पता नहीं कैसा है। आप सोचते तो बहुत बार हो, लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं बनती। आपके पैर कपकपा जाते हैं, आप पता नहीं लोग कैसे आत्महत्या कर लेते हैं, कैसे सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन नहीं होता। जिसने किया है सच्ची में वो इतना फ्रस्ट्रेटेड लेवल में होता होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। इंसान को इतना भी नहीं बांधना चाहिए, इतना भी नहीं रोना चाहिए, और इतना भी नहीं गिराना चाहिए कि कभी कभी वो इस हद तक चला जाए कि अपने आप को ही काफूर कर ले। मिट्टी से बना जरूर है, लेकिन मिट्टी में ही डर मिलने का डर लगता है। ये दुनिया बहुत बहुत सुंदर है, पर पता नहीं शायद मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है। इसको जितना देखता हूँ उतनी मेरे खुद को याद आता है कि जिंदगी बहुत कम है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इस वक्त को मुझे नहीं मालूम मैं कैसे पूरा करूँगा। बहुत कुछ बोलना है इस रिकॉर्डिंग में, आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं। कभी कभी लगता है कि ये रिकॉर्डिंग करने के बाद शायद कल देखूँ ना सूरज, कल का सूरज क्या, अभी तो हो ही गए। पता है मैं एक बार घर से भाग भी गया था, बहुत दूर, बहुत दूर। फिर पता नहीं क्या खींच लाई वापस से। कुछ यादें हैं जो ऐसे ही आपको, आदमी को कमजोर बना देती हैं, और ये कमजोरी जो है ना, ना आपको जीने देती है और ना मरने। कभी सोचा है जो चाकू आप अपने किचन में यूज करते हो, जिससे आप सब्जी, जिससे आप मिर्ची छोड़ो, जिससे आप एक्चुअली मक्खन को भी काटते हो, उतनी ही साफ सफाई से, उतनी ही धीमे आ, उतने ही मक्खन जैसे स्लाइस में ना आप अपने हाथ को भी काट सकते हो, भाई आपको दर्द भी नहीं होगा, ना खून निकलने का दर्द होता है ना पता चलता है, क्योंकि आपको बेहोशी ऐसी छाई होती है। बस यही डर होता है कि कोई बचा ले तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि बचने के बाद जो परिवार वालों का जो हाल होता वो बहुत मुश्किल होता है। या तो वो देख सकते हो या तो ठीक है, नहीं देख सकते तो यही लगता है कि मर जाता तो ज़्यादा अच्छा था। लाइफ आपके बहुत से एग्ज़ाम लेगा, बहुत, चाहे वो गम से हो, खुशी से हो, एग्ज़ाम से हो, प्यार से हो, परिवार से हो, रिश्तों से हो,
मैं रिश्ते निभाते निभाते या रिश्ते निभाने के लिए डरने लग गया हूँ मैं। एक रिश्ता बनता है तो दूसरे टूटने की कगार पे आ जाता है, और दूसरा टूटता है तो पहले टूट पहला पता नहीं अपने आप नहीं संभलता। एक बेटे, एक भाई, एक दोस्त का किरदार निभाते निभाते थक सा जा रहा हूं मैं, नहीं कर पा रहा मैं ये सब, नहीं उठा पाता मैं ये सब जिम्मेदारियां एक साथ सब की सब चीजों की। मैं डरता हूँ एक्चुअली ये सब जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं मेरी मेरी कमजोरी छलक के आती है। ना अपने माँ बाप को वो सुख देता हूँ दे पाता हूँ मैं, और शायद मेरे भाई से तो मैं ऐसे पहले ही दूर हो चुका हूँ, भाई बहनों से पता नहीं बहुत दूर हो चुका हूँ अपने माँ बाप से भी। उनसे जो झगड़ा हो गया मेरा, मैं बहुत दूर हो चुका हूँ सभी से, बहुत दूर।